हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बालों को 4 गुना तेजी से लंबा और मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लंबे, घने और सुंदर बाल सभी को पसंद है। छोटी उम्र में हम कई बार अपने बालों पर कुछ ऐसे प्रयोग कर लेते हैं जिसकी वजह से बाल कमजोर होने लगते हैं और बाल झड़ने, टूटने और डैंड्रफ जैसी समस्याएं आने लगती हैं। बालों की देखभाल ना करना, बाल कलर करना, बालों पर क्रीम लगाना और बालों को जरूरी पोजीशन ना मिलने से बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिससे बालों की खूबसूरती खराब हो जाती है और कई बार किसी रोग के इलाज के वक्त भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट होने से भी बाल झड़ने लगते हैं और गंजेपन की समस्या आने लगती है। अगर आप भी दोस्तों इनमें से किसी भी समस्या से परेशान हैं या फिर आपने बालों को आप बहुत ज्यादा लंबा और मजबूत बनाना चाहते हैं और घना बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा नेचुरल और एक घरेलू और बहुत ही सस्ता आसान नुस्खा बताने वाला हूँ जो आपके बालों को बहुत ज्यादा लंबा, मजबूत और घना बना देगा, वो भी बहुत कम समय में, और आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाएगी, आपका हेयर स्टाइल इतना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन नुस्खे को। इस नुस्खे में दोस्तों सबसे पहले हमें जो यूज करना है वो है दोस्तों आंवला पाउडर। दोस्तों एक बहुत ही नेचुरल चीज है, आपको अगर आपके पास इस तरह का साबुत दिखने वाला आंवला है तो उसे पीसकर आप पाउडर तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आपको 20 से 30 रुपए में आंवला पाउडर किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा और आप इसे पंसारी की दुकान से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आंवला पाउडर के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे बालों को 4 गुना तेजी से लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और बालों का झड़ना रोकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आपको बालों के सफेद होने की समस्या है तो वो भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके जो बाल सफेद हो चुके हैं वो फिर से काले हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम बहुत ही नेचुरल चीज आंवला यूज कर रहे हैं। बहुत से लोग सिर में आंवला का तेल भी लगाते हैं तो वो लोग जानते हैं कि आंवला कितना बेनिफिशियल होता है हमारे बालों के लिए। तो इसके अंदर हम 1 चम्मच आंवला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज हमें इस नुस्खे में इस्तेमाल करनी है, बहुत ही नेचुरल चीज है, हर घर में हर रसोई में मिलती है, वो है दोस्तों दही। इसके अंदर हमें लेनी है दोस्तों 1 से 2 चम्मच दही। ये देखिए 2 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर दही ले ली है। दोस्तों दही के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बालों की जड़ों में जाकर के बालों को बहुत ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाती हैं, साथ ही साथ बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है और बालों का सफेद होना भी कम कर देती है। तो इसके अंदर हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और दही दोस्तों आपके अगर बालों में डैंड्रफ की समस्या है तो वो भी दही खत्म कर देगा। इसके बाद जो तीसरी और आखिरी चीज हम इस नुस्खे में यूज करेंगे, बहुत ही आराम से आपको मिल जाएगी, बहुत ही नेचुरल चीज है, वो है दोस्तों नारियल का तेल। ये देखिए दोस्तों नारियल का तेल ज्यादातर इंडिया में हर कोई अपने घरों में यूज करता है और नारियल का तेल जो यूज करता है वो जानता है कि नारियल का तेल कितना फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। दोस्तों नारियल के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है और उनको लंबा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके बालों में किसी तरह की ड्राइनेस है उसको भी खत्म कर देता है। तो इसके अंदर हम लेना है दोस्तों 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा नारियल का तेल। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा हम इसके अंदर नारियल का तेल जो है यूज कर लेंगे, लगभग 1.5 चम्मच के करीब। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये कैसे आपके बालों में काम करेगा और किस तरीके से आपके बालों को लंबा करेगा और किस तरीके से आपको अपने बालों में इसे अप्लाई करना है जिससे कि आप अपने बालों को हेल्दी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बना सके। तो अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही जल्दी ये मिक्स होकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिला लेना है और मिक्स करने के बाद में कम से कम आपको इसको 5 मिनट के लिए यूं ही रखे रहने देना है ताकि इसके अंदर जो हम आंवला पाउडर इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो इसके साथ मिक्स होकर फूल कर तैयार हो जाए बालों में लगाने के लिए। तो कम से कम इसे मिक्स करने के बाद 5 मिनट रखा रहने दें, उसके बाद ही इसे अपने बालों में जो है आपको यूज करने हैं। तो यूज करने की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको आपको नहाने से कम 1 घंटा पहले अपने बालों में लगाना है। अगर आपके बालों में पहले से ऑयल लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप इसे लगा सकते हैं। कम से कम 1 घंटा पहले से अपने बालों में लगाना है। आपको कैसे लगाना है, सबसे पहले से आपको अपने बालों की जड़ों में लगाना है और आपको जड़ों में लगाने के बाद में आप जड़ों बाकी सिरे तक पूरे बालों में लगा लेना है। उसके बाद में कम से कम 5 से 7 मिनट आपको अपने बालों में हल्के से मसाज करनी है, पूरे बालों में बहुत ज्यादा तेज से नहीं करने, बहुत हल्के हल्के मसाज करने 5 मिनट तक, 5 से 7 मिनट। अगर आप किसी की हेल्प ले मसाज करने में तो बहुत अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से मसाज हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अपने बालों को आपको किसी कॉटन के कपड़े से या फिर किसी पॉलिथीन से आपको अपने बालों को ढक लेना है और उसके बाद में आपको दोस्तों आपको धूप में नहीं बैठना है, पंखे की हवा में नहीं बैठना है, नॉर्मली आपको रूम टेम्परेचर पर 1 घंटे तक बैठे रहना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं नहाते वक्त अपने बालों को 1 घंटे बाद आपको अपने बालों को शैम्पू कर लेना है।
पहली ही बार में आप देखेंगे कि आपके बाल कितने सिल्की स्मूथ हो जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ही दिनों के यूज के बाद आपके बालों में बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, आपके बाल जो है 4 गुना 3 से लंबे होने लगेंगे, बहुत ज्यादा आपके बाल लंबे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स इस नुस्खे को आपको वीक में 2 से 3 बार यूज करना है, यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार जैसे नॉर्मली आप शैम्पू करते हैं सेम उसी दिन आप यूज करें। वीक में आप 2 बार यूज करते हैं शैम्पू तो आप 2 बार इसको यूज करें, 3 बार यूज करते हैं तो 3 बार यूज करें। और दोस्तों मंथ के एंड तक आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे, आपके बालों को झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होने लगेंगे, घने हो जाएंगे और बाल जो है जो सफेद थे वो फिर से काले होने लगेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से नुस्खा काम करेगा, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सस्ता और बहुत ही घरेलू नुस्खा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको दोस्तों नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों।